हेलो, माय नेम इज विदुषी शुक्ला। मेरा आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द साइंस एंड इंजीनियरिंग मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू द जॉन मकार्थी इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब है आर्टिफिशियल ढंग से विकसित की गई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बौद्धिक क्षमता। इसमें कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोग्राम ह्यूमन माइंड के ही लॉजिक से काम करने का प्रयास करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर्पस होता है कि कंप्यूटर खुद ही श्योर कर पाए कि उसकी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी। इसके लिए कंप्यूटर को डिफरेंट सर्कमस्टेंस के अनुसार अपनी एक्टिविटी चूज करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जिससे कंप्यूटर ह्यूमन थिंकिंग प्रोसेस की कॉपी कर पाए, जैसे लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। Artificial intelligence is an area of computer science that emphasizes the creation of intelligent machines that work and react like humans. Artificial intelligence computer science का एक क्षेत्र है जो बुद्धिमान मशीनों के निर्माण पर जोर देती है और जो मनुष्यों की तरह काम करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें मशीनों और सॉफ्टवेयर को इंटेलिजेंस के साथ डेवलप किया जाता है। इसके कुछ एप्लीकेशन हैं जैसे गेमिंग, एक्सपर्ट सिस्टम, विजन सिस्टम, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, हैंडराइटिंग रिकॉग्नाइजेशन, इंटेलिजेंट रोबोट, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वर्ड रिकॉर्डिंग्स और ETC। आपने ड्राइवरलेस कार के बारे में सुना ही होगा। गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोजेक्ट, टेस्ला ऑटो पायलट फीचर, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डू एनीथिंग एज बेटर देन अ ह्यूमन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन से बेहतर तरीके से कोई भी काम को कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन लर्न ऑन इट्स ओन, वो स्वयं से किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। सामान्यतः स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट में मौजूद नहीं है। कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि 2030 या 2045 तक डेवलप हो जाएगा, पर कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि नेक्स्ट सेंचुरी में हो सकता है या फिर इम्पॉसिबल है। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव ओनली द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी बाउंड कंडीशन में कार्य करता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। जैसे लगभग आप सभी आईफोन, एंड्रॉयड या विंडोज़ का यूज़ करते होंगे। आईफोन से सीरी करके, एंड्रॉयड से ओके गूगल करके और विंडोज़ से कॉर्टाना करके कुछ भी पूछने पर वो हमें आंसर देती है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये लगातार इम्प्रूव करते हैं, अपने यूज़र को लर्न करते हैं और हमारी नीड्स को एंटिसिपेट करते हैं। ये गेस कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार की चीज़ की ज़रूरत है और उसी अनुसार हमें रिजल्ट देते हैं। जनरली रोबोट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो कि सच नहीं है। रोबोट एक ऐसा सिस्टम है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर डाला जाता है। हाल में ही आपने सोफिया ह्यूमेनाइड रोबोट के बारे में सुना ही होगा, जिसे साउथ अफ्रीकन सिटीजनशिप मिली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड ह्यूमेनाइड रोबोट सोफिया, जिसे हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी हसन रोबोटिक्स ने डेवलप किया है। सोफिया दुनिया की पहली रोबोट है जिसे किसी देश की सिटीजन से प्राप्त है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके अपना काम करती है और ये कई प्रकार के एक्सप्रेशन देने में कामयाब है। इसे क्वेश्चन और इंटरव्यू रिस्पॉन्ड के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसे बनाने के पीछे की ये वजह दी गई कि ये बूढ़े लोगों को ह्यूमन नर्सिंग में मदद करेगी, बड़े बड़े इवेंट में भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने में और उन्हें गाइड करने में मदद करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ कई जगह हैं, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर, लीगल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंटेलिजेंट रोबोट, गेमिंग, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट। मई 1997 में IBM's कंप्यूटर डीप ब्लू दुनिया के नामी चेस प्लेयर कैरी कास्परोव को हरा चुका है। HDFC इंडिया का पहला बैंक है जो कस्टमर सर्विस के लिए रोबोट इरा, इंटेलिजेंट रोबोटिक असिस्टेंट को तैनात किया है जो लोगों को गाइड करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही तेज़ी से विकास हो रहा है। आज ASIMO
अपनी वातावरण सिचुएशन के अनुसार डिसीजन लेने में और बिहेव करने में, चलने में, कूदने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डाउनसाइड भी हैं, ये ह्यूमन लेबर की डिमांड को कम कर देंगे, गलत हाथों में लगने से सब कुछ तबाह कर सकते हैं, इंसानों के बीच आपसी कनेक्शन को कम कर देंगे। मशीन डू नॉट हैव एनी इमोशन एंड मोरल वैल्यूज, दे परफॉर्म व्हाट इज प्रोग्राम्ड दैट कैन नॉट मेक जजमेंट और राइट और रॉन्ग। एंड जय हिंद।